हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, CSJMU, तो ये कानपुर की यूनिवर्सिटी है और ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप वो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस की, यानी कि BBA की। जो लोग BBA करना चाहते हैं तो BBA कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो 3 ईयर का कोर्स रहेगा आपका, और जो पर ईयर चार्ज लिया जाएगा 18,000 रुपये लिया जाएगा, और जो टोटल फीस रहेगी आपकी 54,000 में कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये कोर्स आपका 5 ईयर का रहेगा। तो ये 5 ईयर का कोर्स आप कर सकते हैं। और जो इसकी फीस नहीं दिखा रखी, आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। जो लोग बैचलर ऑफ LLB, यानी कि जो लोग LLB करना चाहते हैं तो वो LLB कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपका 3 ईयर का रहेगा, तो आप इस 3 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं BCA, तो यहाँ पर जो फीस रखी गई वो 18,000 रुपये रखी गई है। तो पर ईयर आपसे 18,000 रुपये चार्ज होगा 3 सेमेस्टर तक, और जो टोटल फीस रहेगी 54,000 रुपये रहेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं BCOM के, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो लोग BCOM करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पर ईयर आपसे इसी तरीके से फीस ली जाएगी 1,317 रुपये, और जो सेकंड सेमेस्टर की फीस रहेगी 1,317 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की रहेगी 1,317 रुपये, जो टोटल फीस रहेगी वो यहाँ पर 3,951 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं बैचलर ऑफ फाइथोग्राफी, तो यहाँ पर BPT जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ईयर का कोर्स रहेगा आपका, जो टोटल फीस रहेगी वो 1,20,000 रुपये रहेगी, और पर ईयर आपसे 40,000 रुपये लिए जाएंगे सेकेंड एंड थर्ड तक। तो यहाँ पर 3 ईयर में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि MA करना चाहते हैं तो MA कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टोटल फीस रहेगी वो आपकी 16,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका MA 2 ईयर का रहेगा, पर ईयर आपसे 8,000 रुपये लिए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ से जो MSc करना चाहते हैं तो MSc कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कोर्स की अवधि है वो आपकी 2 ईयर की रहेगी, लगभग 2 साल का कोर्स रहेगा आपका ये, और पर ईयर आपसे 24,000 रुपये लिए जाएंगे, और जो टोटल फीस रहेगी 48,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि MFA, तो यहाँ पर जो कोर्स रहेगा आपका 2 ईयर का रहेगा, लेकिन इसकी फीस डिटेल नहीं दे रखी है, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको फीस बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं मास्टर ऑफ, यानी कि MPharma, जो लोग MPharma करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 1,78,326 रुपये, जो पर ईयर आपसे चार्ज होगा 89,000 के आसपास चार्ज होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर 2 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी कि MS, जो लोग मास्टर ऑफ सर्जरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो आपका कोर्स 3 ईयर का रहेगा। तो यहाँ पर फीस डिटेल नहीं दे रखी है, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि MD करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं डॉक्टर वाला कोर्स, आप 3 ईयर का कोर्स रहेगा आपको। इसकी फीस डिटेल मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, जैसे आप मुझे कमेंट करोगे। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ सर्जरी, तो ये भी 3 ईयर का कोर्स रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसकी फीस बता दूंगा। तो मास्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो इसकी जो फीस रहेगी वो 8,440 रुपये रहेगी, सेकंड की 8,040 रुपये रहेगी, और जो टोटल फीस रहेगी 16,880 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइथोपी MPT, यानी कि 2 ईयर का कोर्स रहेगा, लेकिन इसकी भी फीस डिटेल नहीं दे रखी है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका भी फीस नहीं है, तो आप 2 ईयर का कोर्स रहेगा और आप भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या आयुर्वेदिक, यहाँ भी 3 ईयर का कोर्स रहेगा, लेकिन इसकी भी फीस नहीं है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या MPED, तो यहाँ पर जो टोटल फीस रखी गई वो आपकी 24,000 रुपये रखी गई, और ये आपका 1 साल का कोर्स रहेगा। तो नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। मास्टर ऑफ चिराग MCH, यानी कि कर सकते हैं, तो ये 3 ईयर का कोर्स रहेगा, इसकी भी फीस नहीं है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, इसकी भी फीस नहीं है, 3 ईयर का कोर्स रहेगा आपका। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस या MSc जो करना चाहते हैं तो MSc कर सकते हैं, 24,000 रुपये है फीस आपके, 2 ईयर का कोर्स रहेगा, 24,000 यानी कि 48,000 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी कि MSc करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, 3 ईयर का कोर्स रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी कि ये भी 3 ईयर का कोर्स रहेगा, और डॉक्टर मेडिसिन, यह भी आपका 3 ईयर का कोर्स रहेगा। जो भी जितने भी आपके ये कोर्स हैं ये आपके 3 ईयर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA और मास्टर ऑफ MSc है, तो ये आपका 5 ईयर का रहेगा, लेकिन इसकी जो फीस है वो आपको दिखानी रखी है। तो बैचलर ऑफ MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 5 ईयर का रहेगा आपका, MD 5 3 ईयर का रहेगा,
मास्टर ऑफ सर्जरी 3 ईयर का रहेगा। और यहाँ पर MCA की बात करते हैं, जो MCA की सिर्फ अलग से फीस जो पड़ेगी वो आपकी 24,000 रुपये पड़ेगी फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, यानी कि 3 सेमेस्टर तक आपकी 24,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो टोटल फीस रहेगी 72,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, जो लोग MSW। तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो काफ़ी लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और जहाँ तक है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसको आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।